और अब हम यूनियन के बारे में समझ चुके हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लिया। अब हम स्टेट के तरफ शिफ्ट करते हैं, और स्टेट के जो नॉमिनल हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो अभी हम गवर्नर साहब के बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। नॉर्मली ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नर, बट अंडर द सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956, द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट्स और गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटोरी। गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब जो होते हैं स्टेट के, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और नॉर्मली एक राज्य के एक राज्यपाल होंगे। लेकिन 1956 के संविधान संशोधन के बाद से ऐसा प्रोविजन बना दिया गया कि एक राज्यपाल साहब एक राज्य से अधिक के भी, दो राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, या एक राज्य और यूनियन टेरिटोरी के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक राज्यपाल महोदय को अतिरिक्त राज्य का कार्यभार भी दिया जा सकता है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर जो भी होते हैं, राज्यपाल महोदय का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, किसके एडवाइस पर, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर वो करते हैं। इनका क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल से ऊपर के होना चाहिए, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए, मस्ट पोसेस द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर। एक एमएलए चाहे एमएलसी बनने की उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, ही अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। फिर से एमसीक्यू बन रहा है कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, चीफ मिनिस्टर इज नॉट अपॉइंटेड बाय पीपल, चीफ मिनिस्टर इज नॉट अपॉइंटेड बाय सिटीजन, सिटीजन्स ओनली वोट टू एमएलए, एंड लीडर ऑफ द लीडिंग पार्टी इज नॉमिनेटेड एज चीफ मिनिस्टर विच इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर क्या है, सेम पावर जो पावर सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, वही पावर गवर्नर के पास भी स्टेट में होता है। ये भी समन कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब सत्र बुला सकते हैं और सत्र का अवसान भी कर सकते हैं। एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन आफ्टर इलेक्शन, इलेक्शन के बाद से पहले सेशन को ये एड्रेस करते हैं। सेंड मैसेज टू स्टेट लेजिस्लेटर्स ऑन बिल पेंडिंग बिफोर यू, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई बिल पेंडिंग है तो उससे रिलेटेड वो मैसेज उस राज्यसभा उस विधान परिषद को, विधानसभा को भेज सकते हैं। अपॉइंट्स 1/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसके 1/6 को ये महाराज गवर्नर महाराज अपॉइंट करते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर बोल देंगे उसको ये अपॉइंट कर देंगे। फाइनेंशियल पावर्स क्या है, इंश्योर्स दैट द बजट इज लेट। उनको ध्यान रखना है कि टाइम से बजट विधान परिषद विधानसभा में रखा जाता है। ऑल मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन ओनली। मनी बिल अगर कुछ है तो गवर्नर महाराज के रिकमेंडेशन पर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जो पावर प्रेसिडेंट महाराज ये सेंट्रल में इंजॉय करते हैं, लगभग वही पावर, मिलते जुलते पावर गवर्नर महोदय स्टेट में इंजॉय करते हैं। बस ये है कि इनके पास कोई इमरजेंसी पावर नहीं होती है, बस ये है कि ये कोई डिफेंस के हेड नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स ये दोनों इंजॉय करते हैं। तो ये गवर्नर के बारे में जानकारी रही। इसके बाद से हम देखते हैं, शायद चीफ मिनिस्टर के बाद क्लास करेंगे हम। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।